जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हो पूरा टेक्निकल है। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एडवांस पेस्ट स्पेशल। देखिए पेस्ट एज वैल्यूज वगैरह हम यूज करते हैं एक्सेल में, कभी आपने पेस्ट एज वैल्यूज को यूज किया है? कौन से वैल्यूज? पेस्ट स्पेशल आपने यूज किया है कभी? नहीं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसका यूज होता क्यों। नॉर्मल कॉपी पेस्ट तो आपने किया ही होगा, हाँ। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी आप करती हूँ। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल इसलिए यूज होता है कि आपको कुछ स्पेशल पेस्ट करना है, मतलब कॉपी तो आप वही कर रही हैं, ठीक है, तो पेस्ट कुछ स्पेशल करना है। स्पेशल में क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला मैंने डाला हुआ है, इन हर एक सेल में एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं जो वैल्यू जो दिख रही है मुझे सिर्फ वो मेरी कांस्टेंट बन के रह जाए, ठीक है जी, क्योंकि फॉर्मूला मैंने जो लगाया है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कहीं और कॉपी पेस्ट करूंगा तो फिर चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू मुझे इस अभी दिख रही है, जैसे फर्स्ट कॉलम में 60, तो यही मेरा यहाँ पे जी हो जाए। उसके लिए यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल। तो यहां मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा सबसे पहले, जहां मुझे पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा, या आपके पास होम टैब में यहाँ पेज बटन के अंदर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, ओके ये ऑप्शन है वो, तो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, ओके अब वैल्यूज यूज करते हैं तो वैल्यू जैसे मैंने दिखाया था 62 था, यहाँ वैल्यू चेंज हो गई फॉर्मूला से। अब यहाँ देखेंगे तो अकाउंट में कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ऊपर दिखा रहा था, बट एक प्रॉब्लम नजर आई इसमें, इसीलिए मैंने डिफरेंट डाटा ले रखा है कि यहाँ पे डेट लिया है, यहाँ नंबर लिया है, बीच में टैक्स लिया। तो दिक्कत किसके साथ आती है, नंबर के साथ आती है, डेट के साथ आती है, करेंसी के साथ आती है, जब आप इनको यूज क्या आती है, इनका फॉर्मेट गायब हो जाते हैं, डेट की जगह कुछ नंबर दिखा रहा है, यहाँ डबल डेसिमल्स थे, यहाँ कोई भी डेसिमल पोजीशन नहीं दिखा रहा, तो इस तरह की दिक्कत आती है। अब अगर ऐसी दिक्कत आती है तो करे क्या, पहली चीज उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि होती क्या है, इसको रिलेट बताने से, डेट के अंदर ये जो फॉर्मेटिंग लगी है या इसके अंदर जो डेसिमल की फॉर्मेटिंग लगी है, ये हम कहां से करते हैं, यहाँ पे एक नंबर का हमारे पास ग्रुप है, इसको यहाँ क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल खोलेंगे तो हमारे पास एक नंबर टैब आता है जिसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं नंबर के, डेसिमल प्लेसेस के और डेट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के, ठीक है जी, इसीलिए इसे स्पेसिफिकली नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी, क्योंकि किसी चीज पे हमें काम करने से पहले उसके बारे में उसका नाम तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कॉपी किया मैंने, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और वैल्यूज की जगह ये यूज किया, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ओके अब ओके आ गया, डबल डेसिमल पोजीशन, डेट भी सही फॉर्मेट। एक और चीज कि जब मैंने यहां से कॉपी करके पेस्ट किया, या आप भी कई बार करती होंगी एक्सेल में बड़ा बड़ा डेटा कॉपी पेस्ट करती होंगी, तो एक चीज में आपको दिक्कत आती है कि उनकी कॉलम सेटिंग वैसी नहीं होती जहां से कॉपी की करके लाई जाती है। ओके कॉलम की विड्थ, जैसे ये हैशेस दिखा रहा है यहाँ पे डेट की बजाय, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कॉलम विड्थ जो है वो इनसफिशियंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम विड्थ मुझे बार बार सेट ना करनी पड़े, क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा होगा ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा इसको सेट करने। जी क्या शॉर्टकट है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, कॉपी मैंने कर रखा है ऑलरेडी, पेज राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कॉलम विड, इसको क्लिक किया, ओके क्या करेगा, कॉलम की जितनी विड होगी ना वो यहाँ पेस्ट कर देगा, कॉलम की सेटिंग वही कर देगा उसके बेस डेटा की तरह, ठीक है जी, ओके और देखते हैं पेस्ट स्पेशल में। देखिए
नेक्स्ट ऑल क्या होता है, ऑल होता है मतलब सब कुछ, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, नॉर्मल कॉपी पेस्ट। बट पेस्ट स्पेशल क्या करता है, पार्टीशन कर देता है कि आप फॉर्मूलाज कॉपी करना चाहती हैं, वैल्यूज कॉपी करना चाहती हैं, क्योंकि फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला का रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, तो वो कॉपी पेस्ट जैसा ही लगेगा आपको, ठीक है। फॉर्मेट्स अलग कर देता है, फॉर्मेट्स मतलब सेल कलर, नंबर फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है, फॉर्मेट में सब कुछ आता है इंक्लूडिंग नंबर फॉर्मेट, मतलब सेल कलर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें फॉर्मेट्स के अंदर आती है। अगर मुझे फॉर्मेट्स भी कॉपी करनी है, अभी मैंने पेस्ट एज वैल्यूज इसलिए यूज किया कि मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए था, बट मुझे कलर सेटिंग तो चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा, मैं वापस पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहां से फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगा, ओके सारे फॉर्मेट पेस्ट हो गए, ठीक है। ओके मान लीजिए इसका फॉर्मेट पेस्ट एज वैल्यूज वाला है, तब भी मैं फॉर्मेट करूंगा तो वो नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में कर दूंगा, ठीक है जी, फॉर्मेट। अच्छा ओके, तो नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई। ओके और अदर ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे एक और एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे तो बॉर्डर छोड़ के बाकी सब चीज कर देगा पेस्ट, ठीक है। एक और चीज हम लोग यूज करते हैं इसमें, मतलब यूज नहीं करते पर फिर भी बता देता हूं, ऑप्शन है तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सोर्स थीम क्या होती है हमारे पास, हम लोग इसमें एक्सेल में सोर्स थीम कभी यूज नहीं करते, थीम्स होती है हमारी पावर पॉइंट में, जिसमें इसके अलग अलग कलर फॉर्मेट बदल जाते हैं, ठीक है जी, डेटा के पावर पॉइंट में करते हैं ना हम, पेज सेटिंग कर दी एक बार में कि यही फॉन्ट चलेगा, यही कलर चलेगा, यही साइज चलेगा, तो वो कई आप जैसे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग फॉन्ट थीम सेटिंग है, आप इसको कॉपी करेंगे तो सोर्स थीम भी लेके जाएगा उधर, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेके जाएगा, तो ये ऑप्शन यूज करते हैं। हालांकि इसका कोई अपने पास कोई खास यूज है नहीं, एक्सेल में तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार हमने क्या होता है, कमेंट्स बड़े बड़े टाइप किए होते हैं, सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, कहीं कमेंट भी देंगे, कमेंट देंगे तो कई बार बहुत बड़ा कमेंट देंगे, और बहुत बड़ा कमेंट देंगे तो कई बार हमें उनकी जरूरत बार बार भी पड़ेगी, ठीक है। अब कमेंट को अगर मुझे दूसरी जगह कॉपी करना है तो क्या उसका वो, या तो मैं इन कमेंट पे जाके राइट क्लिक करके एडिट कमेंट करूं और यहां से सिलेक्ट करके फिर कॉपी करके ले जाके यहां पे अगली जगह इंसर्ट कमेंट करूं और फिर यहाँ पेस्ट करूं, ये होता है, ठीक है जी, ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, मान लीजिए एक से ज्यादा कमेंट करने हैं तो फिर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी करने में। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है जी, या पूरे को ही आप कॉपी करके सिलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और कमेंट। अब मैं क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल खाली कमेंट पेस्ट करेगा, यहाँ पे देख रही है उस डेटा पे इसने कमेंट पेस्ट कर, okay. पेस्ट स्पेशल ये भी कर सकता है। नेक्स्ट चीज दी गई है इसमें वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हमारी आगे की क्लास में मिलेगी, बट मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन के साथ भी कुछ कर सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक ड्रॉप डाउन है, जैसे ही मैंने सेल को सिलेक्ट किया है और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट आ जा रही है, तो मैं लिस्ट में से अपनी वैल्यू चूज करके डाल सकता हूँ, ठीक है जी, बट इसमें अगर मैं कुछ और डालना चाहूँ तो मेरे को एरर दिखाएगा। तो एक्चुअली डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन सेट करने के लिए यूज होता है कि इसमें इसके अलावा और कुछ ना डाल सके, ठीक है जी, तो वैलिडेशन को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यही रिस्ट्रिक्शन इन सेल्स पे भी आ जाए, ठीक है जी, तो कॉपी किया मैंने, सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल गया और वैलिडेशन, तो यहां से वही वैलिडेशन आपकी यहां पे आ गई इन सेल्स पे, ठीक है जी, इस पे कुछ और टाइप कीजिए नहीं लेगा, ठीक है जी, वैलिडेशन के बारे में हमने जान लिया यहां। देन देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, आपने एक लिस्ट तैयार करी,
सेल्स की लिस्ट या किसी चीज की लिस्ट तैयार करी, थोड़े देर बाद आपको पता पड़ा अरे इसमें गड़बड़ हो गई, इसमें 12 और जोड़ना था, इसमें 32 और ऐड करना था, इसमें 41 और ऐड करना था, इसमें 52 और ऐड करना था। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट ने, आपके सबऑर्डिनेट ने ये लिस्ट बना के दे दी कि आपको इसके सामने सामने इतने का गैप आ रहा है, अब इसको जोड़ना है। इसमें तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉर्मल लोग यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तो फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे काम हो गया, 32 में 12 जोड़ा 64 आ गया, और जहाँ ब्लैंक के बाद जीरो जोड़ता है, जीरो जब जोड़ता है तो 62 आता है। तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर यहाँ आएंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे और वैल्यूज करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब हमें कॉपी पेस्ट करना ही है, ठीक है, तो यहाँ अलग से कॉलम खराब करने की क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कॉपी कर लीजिए, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, अब ये मुझे इसके ऊपर जोड़ना है, ऐड करना है। तो पेस्ट स्पेशल में ऐसा मेथड है कि आप कॉपीड वैल्यू को किसी सिलेक्टेड डेटा में ऐड कर सकते हो, ऐड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल में और ओके कर देंगे, 476 हो गया, इसी तरह आगे में भी ऐड हो गया, ठीक है। तो एडिशन भी आप इससे कर सकते हैं, पर बात आ गई कि नहीं इनको ऐड नहीं करना, आपको पता पड़ गया कि नहीं यार यहाँ तो फुल वैल्यू ही यही है, ऐड नहीं करना, रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, मान लीजिए छोटा डेटा है, बड़ा डेटा हो तो क्या, इसी तरह से है कुछ मैम आपके पास, नहीं है जी, नहीं मैंने कभी काम नहीं किया एक्सेल पे। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो थोड़े से अच्छे यूजर होते हैं, जो फॉर्मूला जानते हैं, अच्छे फॉर्मूला जानने वालों को भी इस चीज की नॉलेज नहीं होती है कॉपी पेस्ट के मेथड्स के बारे में, तो वो क्या करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ, वो क्या करेंगे, वो इसको सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेल देखेंगे, लॉजिकल कंडीशन दे देंगे कि अगर ये इसके ब्लैंक है तो क्या करेंगे, अगर ये खाली है तो इसको ले लेंगे, अदरवाइज इसको ले लेंगे, ठीक है। तो काम तो ये कर रहा है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला काम कर रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ 62 आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, काम तो कर रहा है, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है। बट इतना सब करने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको फॉर्मूला भी जानने की जरूरत, हमारे पास ऑलरेडी कॉपी पेस्ट में ये मेथड होता है, आप इसको कॉपी कीजिए, सिंपल, हमें हर चीज के लिए कॉपी ही करना है, डेटा सिलेक्ट किया, हाँ बट हम क्यों कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते, वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने पेस्ट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स थे वो भी यहाँ कॉपी हो गए, ठीक है। अगर किसी तरह से ये ब्लैंक सेल यहाँ कॉपी ना हो टारगेटेड डेटा में तो मेरा काम बन जाएगा, तो यस इसका ऑप्शन अवेलेबल है, पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ पे स्किप ब्लैंक्स है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, चेक कर दिया, ओके किया, क्या हुआ इसमें, सेम वही चीज, ब्लैंक्स हमारे स्किप हो गए और बाकी वैल्यू कॉपी पेस्ट हो गई, ओके। एक और चीज, बाकी और चीज हम देखते हैं, जिस तरह से हम ऐड कर सकते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्ट ये चीजें भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक टीम है जो जिनकी सेल्स ये है और जिनका टारगेट ये था 200, अब मुझे हर एक की अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, या इक्वल टू लिखा, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड किया, डिवाइड का साइन लगाया, देन टारगेट सिलेक्ट किया, फिर हमें टारगेट में डॉलर भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला को ट्रैक करेंगे तो D2 का D3 चेंज हो सकता है, मतलब डिफरेंट, तो इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से होम टैब में जाके आप परसेंटेज का साइन करेंगे, ठीक है, तो आएगा, इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला जानना जरूरी है। मान लीजिए मैं इससे नहीं करता, मेरे पास इजीएस्ट वे क्या है, कॉपी पेस्ट के जरिए मैंने बताया कि एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, तो
तो परसेंटेज निकालने में भी तो डिवाइड ही हो रहा है। मैं क्या करूंगा, सेल्स का इसी को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, यहाँ सेम पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 200 इससे डिवाइड कर देगा। मैंने क्या किया, कॉपी किया इसको, यहाँ ये डेटा सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गया और यहाँ डिवाइड का ऑप्शन क्लिक किया, ओके कर दिया, डिवाइड हो गया और यहाँ से परसेंटेज क्लिक कर दिया, तो मेरी परसेंटेज निकल आई। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि टारगेट भी अलग अलग हो सकता है। हर एक कंपनी में टारगेट सबका सेम नहीं होता, टारगेट भी सबके अलग अलग होते हैं। कोई पुराना है, कोई नया है, कोई ट्रेनी है, कोई हेड है, कोई सीनियर बनना, तो हर एक के अलग अलग टारगेट होते हैं। उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, करना सिंपल है, यही चीज है, कॉपी करके पेस्ट ये डेटा इधर किया, देन टारगेट मैंने कॉपी किए और इसी के सामने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड, करना यही है। बट इस केस में क्या होगा, इसमें 47 जो डिवाइड होगा 240 से होगा, 62 जो डिवाइड होगा 181 से होगा। ये मेथड तभी काम करेगा आपका सही तरीके से जब आपकी कॉपी की हुई सेल जहाँ आप पेस्ट कर रहे हैं उसके बराबर है, 10 यहाँ है तो 10 यहाँ भी होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। अब चलते हैं कि ये तो एक दिन की सेल, एक दिन के टारगेट, अब ये डेली की सेल और डेली के टारगेट, 3 दिन के टारगेट ले लिया, 3 दिन की मुझे इसमें भी सेम चीज अप्लाई करनी है। मैंने जैसा कि बताया डाटा समानांतर है, तो 203 जो है वो 47 से डिवाइड करेगा, 213 जो है 21 से होगा और 203 जो है 37 से होगा, इसी तरह 152 62 से होगा, समानांतर में होगा। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ डेटा सिलेक्ट कर लूंगा, पेस्ट स्पेशल में गया, डिवाइड किया, ओके परसेंटेज। अब देख रहे हैं कि ये जो काम है, एक फॉर्मूला लगाने से, फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे 15-20 सेकेंड लग जाएंगे, ज्यादा भी लग जाएगा, मई मिनट भी लग सकता है, बट इससे विद इन 2-3 सेकेंड के अंदर मेरा काम हो गया, और अल्टीमेटली टाइम सेविंग ही हमारा गोल होता है किसी चीज को एडवांस सीखने। तो ये चीज हमने कर दी। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कंपनीज में अभी इन्हीं एम्प्लॉयज की हो गई ईयरली से, 2010 में इन्होंने क्या सेल, 2011 में चाहिए, 2012 में, तो सेल आई करोड़ों में। अब क्या है कि हेड्स वगैरह को इतनी सारी डिजिट दिखाओगे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया क्या हुआ है यार, किसकी कम है किसकी ज्यादा है पता ही नहीं पड़ रहा, ज्यादा वैल्यूज है। उनको चाहिए कि जैसे 1,50,00,000 है तो 6.5 करोड़ इस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए भी मेथड क्या होता है, अपना डिवाइड वाला, वो यहाँ यूज कर देता है, कॉपी किया 1 करोड़ साइड में लिख लीजिए, कॉपी कीजिए, लाख का भी ऐसे कर सकते, वैल्यू इन लाख जब दिखानी होती है, 1 लाख साइड में लिस्टेड, सेल डिवाइड, ये आ गया। डेसिमल आप यहां से सेट कर सकते हैं, ज्यादा चाहिए कम चाहिए डेसिमल, यहां से सेट कर सकते हैं, यहां तो काम हो गया मेरा, ठीक है, ये भी सेकंड्स में हो गया, इसके लिए भी हैवी फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी रिपोर्ट बनाने में लोगों को टाइम लगता है, मैंने ऑफिसेज में खूब ट्रेनिंग दी है, वहां देखा है इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए लोग बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। अब ठीक है यहाँ तक तो ठीक था, पर एक एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारे साथ आती है। कई बार क्या करते हैं, लोग लिंक करते हैं वैल्यू, जैसे यहाँ पे टोटल है, मान लीजिए सबका टोटल है, अब मुझे वो वैल्यू नहीं चाहिए, इनकी वैल्यू नहीं चाहिए जैसी है, मुझे इनकी वैल्यू चाहिए खाली करोड़, और ऐसी चाहिए कि यहाँ चेंज हो तो यहाँ पे पॉइंट में चेंज हो, तो ये क्या करना चाहिए, या तो मैं इसके आगे डिवाइड बाय करके 1 करोड़ लगाऊं, ठीक है जी, बट मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, तब क्या करूंगा, बहुत लेंथी काम हो गया मेरे लिए। बट उस केस में भी हमारा ये पेस्ट स्पेशल चल जाता है, आप 1 करोड़ कॉपी कीजिए, यहाँ सिलेक्ट कीजिए, सब में फॉर्मूला लगा हुआ है, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और डिवाइड,
काम तो हो गया। अब देखते हैं फॉर्मूले पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सम का फॉर्मूला था वही चीज हो गई, जहां पे भी डिवाइड करके अपने आप आ गया। तो एक झटके में हमारा मुश्किल काम आसान हो गया। ठीक है जी। देन एक चीज हम यूज करते हैं कई बार, हमें जैसे नेम सेल्स का डेटा है ना, ये पूरा डेटा है ना, इसको लाना है रोज में लाना है। अभी ये कॉलम्स में है, इस तरह से मुझे लाना है रोज में। ठीक है, इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए जहां पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल, और ट्रांसपोज का ऑप्शन है हमारे पास। ये ट्रांसपोज, ये क्या करता है, रो को कॉलम में कर देता है और या और कॉलम को रो में भी कर देता है। इसी को आप पेस्ट स्पेशल करके दोबारा करेंगे तो वापस सही फॉर्मेट में आएगा। ठीक है जी, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम। ठीक है जी। देन बात करते हैं कि लिंकिंग की। लिंकिंग हम लोग बहुत करते हैं ऑफिसेज में। लिंकिंग का क्या यूज होता है, मेथड क्या होता है कि इक्वल टू यहां दबाया, ये वैल्यू सिलेक्ट की, देन एंटर कर दिया तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैंने ड्रैग किया, यहां तक ड्रैग कर। ठीक है जी। तो इसमें हर एक में देखेंगे एक लिंक आ गया, एक रेफरेंस आ गया। ठीक है जी। लिंकिंग का फायदा क्या होता है, फॉर्मेट भी कॉपी कर देता हूं मैं इसके ऊपर। वैल्यू समझ आ जाए, कॉलम वेट भी कॉपी कर देता हूं। अब लिंकिंग का क्या फायदा होता है कि यहां पे अगर मैं कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो मेरा यहां पे भी जो चेंजेस है वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, इमीडिएट चेंज दिखा देगा। क्या होता है, ये तो छोटा सा डेटा है, कुछ रोज का डेटा है। अभी मैंने यहां तो बड़े आराम से कर दिया क्योंकि मुझे पता था कहां तक ड्रैग करना है। अगर मैं यही नीचे करने की कोशिश करता तो मुझे पता नहीं पड़ता कहाँ ड्रैग करना, बार बार मुझे देखना पड़ता, बार बार वैल्यू मैच करनी होती, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता। और यही बड़ा डेटा करना होता है, अलग फाइल में करना होता है, फिर मुझे बार बार देखना पड़ता कि कहाँ तक ड्रैग करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। आगे अगर मैं ड्रैग करता हूँ इसको तो देखिए क्या होता है, डेटा कुछ और दिखाना। ठीक है, क्योंकि जो है ही नहीं उसके लिए जीरो ही दिखाएगा। तो ये एरर आती है, इसके लिए क्या कर सकते हैं लोग, इसके लिए क्या करें कि आप इसको जितना डेटा कॉपी करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, उसे कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक। ठीक है जी। पेस्ट लिंक में एग्जैक्ट डेटा जो आपने कॉपी किया है उसका लिंक आपको यहां पर दे देगा। अपना फॉर्मेट स्पेशल से कॉपी कर दूंगा, इसमें कॉलम वेट भी कर देता हूँ। अब यहां जो मैं चेंज कर रहा हूं वो यहां पे आपको चेंजेस भी दिखा रहा है। ठीक है, ये लिंकिंग। तो लिंकिंग के साथ आजकल हम एक नई चीज आई है, हम लोग यूज करते हैं डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स क्या होती हैं, क्रिएटिव रिपोर्ट्स होती हैं। इस तरह से अलग से पाइवट टेबल और चार्ट्स को हम यूज करते हुए अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड का पर्पस क्या होता है कि एक शीट के ऊपर आपका सारा डेटा हो, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेल में आपको पता है फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। मतलब अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ और इधर मुझे मैंने कॉलम सेटिंग कुछ और करी तो नीचे वाले की कुछ और हो जाएगी। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास स्पेस ही इतना है, इतना स्पेस है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यही डेटा इतने में दिखाना चाहता हूँ, या तो मैं कॉलम वगैरह छोटा वोटा करके कोई यहां से हाइट एरो एडजस्ट करूंगा तो बाकी फॉर्मेट डिस्ट्रॉय हो जाए। और डैशबोर्ड में अच्छा डैशबोर्ड वही होता है जिसमें छोटी छोटी जगह भी यूज कर ली जाए। मेरे पास इस डेटा के लिए इतनी जगह है, कैसे यूज करूंगा, कॉपी करूंगा इसको, यहाँ पे होम के अंदर जो पेस्ट का बटन है इधर एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा, एज पिक्चर में जाऊंगा और पेस्ट एज पिक्चर कर दूंगा। ये ऑप्शन पेस्ट एज पिक्चर में क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब पिक्चर में कन्वर्ट होने का फायदा ये है कि आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई भी कॉलम उससे इफेक्टेड नहीं है। और मान लीजिए अगर आपने ग्रिड लाइन या व्यू में जाके ग्रिड लाइन ऑफ कर दी, तो इसको क्या पता आपने पिक्चर यूज की है कि डेटा यूज किया, कंफ्यूजन की स्टेट, ठीक है। आपका काम तो हो जाएगा अल्टीमेटली, पर वो काम नहीं होगा कि मैं यहाँ चेंज करूँ और वैल्यू यहाँ चेंज हो जाए, ये तो हो नहीं रहा। फिर इसका फायदा क्या, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वहां तो काम आपको आ जाएगा, डेटा फटाफट एक्सेल में आपने वो करके उठा लिया। तो वापस क्या करता हूं, मैं कॉपी करता हूं डैशबोर्ड में, तो क्योंकि अपडेट चाहिए, लाइव अपडेट चाहिए, पीछे का डेटा चेंज हो फटाक से अपडेट चेंज हो, तो क्या करेंगे उसी ऑप्शन पे चले जाएंगे। पेस्ट एज पिक्चर के नीचे ही पेस्ट पिक्चर लिंक है, ये करेगा तो आपकी पिक्चर ही, ठीक है, पिक्चर होने के नाते आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी चेंजिंग होती है तो इसमें भी आपको चेंजेस दिखाता है, ठीक है। इवन अगर आप इसमें कलर भी चेंज करते हैं तो इसका कलर चेंज भी आपको यहाँ पे दिख जाता है इस पिक्चर के अंदर, ये कुछ फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो ये थी मैम आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको पेस्ट स्पेशल के एडवांस मेथड के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कस्टमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कस्टमाइजेशन और शॉर्टकट्स के बारे में, जिसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऑप्शंस की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक्सेल में बहुत अहमियत रखते हैं। क्या होता है कई बार एक्सेल में ऐसी गड़बड़ी आ जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते कि है कहाँ, क्या हो गया, कई बार रीइंस्टॉल कर देते हैं पूरा सिस्टम पूरी एक्सेल, तो वो एक्सेल की कुछ सेटिंग्स होती हैं, कल उसकी जानकारी दूंगा। और उसके अलावा शॉर्टकट्स कैसे लगाएं, आपने देखा होगा मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल एक बार ही यूज किया, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कीबोर्ड से चलाता रहा, ठीक है। तो वो शॉर्टकट कैसे यूज करने हैं वो बताऊंगा, ठीक है जी। कल इसी टाइम मैं आपको मिलूंगा, और जो मैंने आपको लिंक भेजा है आज, जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है